हेलो, कुछ बोल दो। हेलो। प्लीज सपोर्ट मी। ये देखो, आज छुट्टी का दिन है, दुनिया अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, और ये हमारे पति देव पिक्चरों में लगे रहते हैं। ये देखो ऐसे हैं। पोहा बनाया था, खाया नहीं, बच्चों ने पसंद नहीं आया। नहीं, पसंद तो आया, मतलब बोल रहे थे कि सूखा सूखा ज्यादा खाते बनाते हैं। हमने कभी पहली बार बनाया था। हमने क्या है, पोहा खाएगी? चला रहे हैं, सब बिजी हैं फोन। मानू कपड़े तय कर दे, ये देख कैसे पड़े हैं। कर दूंगी, जाओ आइए घर संगवा दे, ठीक है? ठीक है। और धूप देखो गेट, 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 गेट। कितनी बढ़िया आ रही है दोस्तों। सुबह तो बारिश आ रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये आ गई मैं किचन में। मैं आज बना रही हूँ बिरयानी चिकन। तो मैंने अभी चावल रखे हैं उबालने के लिए। उसमें मैंने लौंग, तेज़पत्ता, काली मिर्च और नमक और थोड़ा रिफाइंड डाला है ताकि वो उबल जाए, तो उसमें महक अच्छी आती है। दालचीनी भी डाली है। और अब मैं ये लहसुन अदरक वगैरह छील रही थी और अदरक कर रही हूँ। और ये जो आ गई अदरक रखी है ख़राब निकल गई, सारी पूरी गली हुई थी, तो फिर मैंने दूसरी ली। और ये मैं प्याज काट रही हूँ। हरी मिर्चें हैं 3 और ये मैंने धुल लिया, धुल के पानी बदल लिया 2 बार इनका। और अब मैं मिक्सी में इसको काटने के लिए तैयार कर रही हूँ, प्याज को, टमाटर, ये हरी मिर्ची है और टमाटर डालूँ और ये टमाटर कट करके डाल दूँगी मैं इसके अंदर। मैंने पानी में अच्छे से धो लिया था इसको, 2 बार इसका पानी बदल दिया है मैंने। और ये लहसुन अदरक है, मैं सब एक साथ पीस के बना लेती हूँ। मुझे ऐसे दिक्कत लगती है कि टमाटर अलग करो, प्याज अलग करो, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ अक्सर। और ये पति देव बेटे को फ़ोन कर रहे थे, कोई सामान मंगाया था, तो उसे फ़ोन करके बोल रहे थे कि ये लेते हैं आना। ये मैंने कुछ एक प्याज अलग से भूनने के लिए स्लाइस पतले पतले काटे थे, तो भून के निकाल लिया। और ये पीछे से बेटा भी आ गया था, तो पति देव इसको डांट रहे थे कि तेरे पे कपड़े नहीं है क्या? तो जैकेट नहीं पहनी थी इसने, बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए उसको गुस्सा कर रहे थे। और ये मतलब प्याज लहसुन वगैरह का अदरक का पेस्ट बना के इसमें डाल दूँगी। वो प्याज मैंने अलग कर ली थी और मैंने लौंग, इसमें तेज़पत्ता और जीरा ही डाला था। और बाकी मैं साबुत मसाला लाती हूँ, पीस के एक बार ही रख देती हूँ। और ये नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला मेरा घर का ही रहता है। और क्या नाम है, मैगी मसाला डाला है इसके अंदर। अब पानी डाल, इसको भून लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से भी बनाती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। और ये मेरे को थोड़े चावल कम लग रहे थे, पहले तो उबाल लिए थे, तो मैंने थोड़े से चावल 1 कप के लगभग और उबाले, थोड़े कम लग रहे थे। और ये मैं अब इसमें चिकन डालती हुई दिखाई है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको टंग भी दिखा रही थी, तो सिर्फ मैं ऐसे मस्ती कर रही थी। और ये सब्जी डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी और थोड़ी देर ढक के रख देंगे। और ये दही डालिए, दही जो डालें इसमें टेस्ट से बहुत बढ़िया लगती है। और ये जो मैंने प्याज भूनी थी, तो अब मैं साथ ही साथ इसको भी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से भून जाए। और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत। किसको? कोको। क्यों? पास आज क्या बना रहे थे पहले ये तो बता दो मुझे। पनीर तो बना रहे, मटर घेर के पनीर चार। और ये देखो बाहर बैठा था, मैंने कहा जब तक सब्जी भूनती हूँ थोड़ा सा बाहर बैठा। और सब्जी मेरी भुन गई, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये पक जाए। और इसको ढक के रख देंगे
बन गई सब्जी भी। और अब हम इसको बिरयानी बनाने के लिए मतलब तैयार करते हैं। और ये देखो, और मैं अपना हाथ दिखा रही थी, वो कलर डालते हैं फूड कलर, तो वो मेरे हाथ में लग गया था, निकला नहीं साबुन से धुलने के बाद भी। और ये मैं ऐड कर रही हूँ अब इसमें कलर, दो कलर डाले, एक रेड और ग्रीन। और ये थोड़ी सब्जी चावल में डाल चुकी थी पहले उसमें, और ये मैंने धनिया डाल के तवा मैंने गरम कर लिया है दम लगाने के लिए। और मैं सिल्वर फॉइल से ही दम लगाती हूँ, तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कुछ भी कि हाँ इससे अच्छा अंदर ही स्टीम बहुत अच्छी हो जाती है इससे, तो मैं अक्सर इससे ही लगाती हूँ। और इसके ऊपर इसका ढक्कन ढक दूँगी तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इसे अच्छे से कवर कर दूँ तो बहुत बढ़िया से दम आता है और बनती भी बहुत अच्छी है, तो इधर उधर से हवा भी लीक नहीं होती, वो आटे वाटे का झंझट मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब इसके ऊपर मैं कुछ भारी वजन रख दूँगी, ये मैंने रख दिया चीनी का डब्बा अपना। और 10 मिनट बाद खोली और मेरी बिरयानी तैयार। आ जाइए आप लोग भी खाने। और ये अगले दिन मॉर्निंग, तो सुबह सुबह मैंने सब्जी बनाई बना ली थी, तो आलू की सब्जी बनाई थी मैंने सुबह सुबह। सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है, और इन्हें नाश्ता भी दे दिया था मैंने, फटाफट चाय दे के आई। और ये आलू की सब्जी भी मेरी बन रही है, तो सुबह सुबह के भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा रहती है, तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती। फटाफट से मैंने सब्जी छोड़ दी थी, और ये मैं सब्जी बना रही हूँ आलू की। उसमें सामान डाल दिया मैंने, ये हल्दी डालूँगी, धनिया पाउडर, पति देव भी खड़े हैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार कि मैं चलता हूँ। और अब ये जाएंगे, और मैं अपने बाकी के थोड़े थोड़े काम भी निपटाती रहती हूँ वहाँ तक, ताकि काम ना बढ़े। हेलो कर दो, हेलो बाय बाय भी कर दो। और मैं गैस पे सब्जी रख के आई थी भूनने के लिए, तो मेरी सब्जी भी भुनने वाली है। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।